अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हूँ ज़ारा नज़र आप लोगों के साथ एंड खुश आमदीद मेरे चैनल में। तो आप सब उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। तो आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है, क्योंकि वो टॉपिक रिलेटेड है हमारे टेंट से, जो कि लिप एंड चीक टेंट होता है, जो कि हम बहुत 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 कॉस्टली और हाई रेट्स पे परचेज़ करते हैं। और कोई इतने ख़ास टेंट नहीं होते, वो किसी की सेंट अच्छी होती है, किसी की सेंट अच्छी नहीं होती, तो कोई हाई पिगमेंटेड होता है, कोई लो पिगमेंटेड होता है। तो मैं आपको आज घर पर ही बहुत इजी और सिंपल तीन इंग्रेडिएंट से बनाने वाला है वो टिंट जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी यहाँ पे, और वो बहुत ही कम पैसों में आपका बनने वाला है। और बिल्कुल वो टिंट ऐसा बनेगा जैसे हाई रेट्स में आपको टिंट बाहर मार्केट से मिलते हैं या फिर ब्रांड्स पे अवेलेबल होते हैं। तो बाकी मेरे साथ रहिएगा, डोंट स्किप द वीडियो, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है क्योंकि एक एक पॉइंट इसका होने वाला है इम्पॉर्टेंट। अगर आपने एक पॉइंट में मिस किया तो आपका टेंट हो जाने वाला है ख़राब। तो मेरे साथ रहिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो टिंट बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैं यहाँ पे रख चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसके लिए मुझे सबसे पहले तो चाहिए एक एम्प्टी बाउल और एक स्पून जिससे मैं मिक्स करूँगी, और देन मुझे चाहिए फूड कलर। ठीक है, फूड कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन उसका जो शेड है, उसका जो कलर है वो आपका रेड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कोई सा भी सीरम जो कि आप अपने फेस पे यूज़ करते हैं और जो कि आपके फेस पे सूट करता है। आप लोग सीरम तो यूज़ करते होंगे, अगर आपके पास सीरम अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में मैं ये सीरम के ड्रॉप्स ऐड करूँगी। और इसके साथ ही हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने नेचुरल यूज़ नहीं करना, आपने मार्केट से जो भी कंपनी का आपको मिलता है या जो भी कंपनी का आपको सूट करता है आप लोगों ने वो यूज़ करना है इस टिंट को बनाने में। तो चलें मेरे साथ रहिए और इस टिंट को बनाते हैं, और बहुत ही इजी वे से हम लोग इसको बनाएंगे। सो इस टिंट को बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ सबसे पहले एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल की जो क्वांटिटी है वो मैं 2 टेबलस्पून रखूँगी। ठीक है, तो ये 1 एंड ये 2, 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल इसमें मैंने ऐड किया है। और देन इसमें मैं ऐड करूँगी फूड कलर। ठीक है, फूड कलर आप लोग ये देख सकते हैं मैंने कौन सा कलर लिया है। तो इसमें बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स आपने जो है फूड कलर के ऐड करने हैं, आपने इसमें ज़्यादा फूड कलर ऐड नहीं करना, नहीं तो आपका ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें मैं सीरम जो है मेरे पास है 24 कैरेट का जहराज हर्बल का सीरम है, वो मैं इसके 2-3 ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आपके पास जो भी सीरम अवेलेबल है या फिर कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, आप उसके 2-3 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दीजिए। देन हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, तो जब ये टिंट आपका रेडी हो जाए तो आपने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देना है, फिर आपने इसको यूज़ करना है और फिर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। इसको शिफ्ट करने के लिए मैंने एक सीरम बॉटल ली है, जो कि मेरे पास सीरम बॉटल पड़ी थी, अवेलेबल थी, क्योंकि मैं फेस सीरम यूज़ करती रहती हूँ। तो उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था। ठीक है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो मैंने टिंट बनाया है, ये देखें, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा बेहतरीन बेहतरीन टिंट तैयार हो चुका है, जो कि आपको मार्केट्स में और ब्रांड्स पे और ऑनलाइन बहुत ही हाई रेट्स पे मिलता है। और अब इसको मैं आपके सामने अप्लाई करूँगी। तो चलिए मैं अब आपको ये वाला टिंट लगा के दिखाती हूँ कि ये टिंट कैसा बना है। ठीक है, ये बेहतरीन टिंट है जो कि आपको मार्केट्स में बहुत 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 ही कॉस्टली रेट्स पे मिलता है, और ऑनलाइन तो बंदे बैठे नहीं। तो ये देखिए, ये मैं अब इसको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इसका शेड कितना ज़बरदस्त है,
जैकेट। तो अब इसको सारा मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप लोग चेक कीजिए कि मैं ये टिंट अप्लाई कर चुकी हूँ, ठीक है, और ये लिप्स। एंड आई होप कि आपको मेरी आज की ये टिंट वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको बहुत सारे लाइक्स देने वाले हैं, मेरे चैनल को करने वाले हैं सब्सक्राइब और शेयर, और उसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे मैं आई थिंक हर टाइम एक्टिव होती हूँ। तो बाकी आप लोग अपनी रिक्वेस्टेड वीडियो मेरे से ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को वो बना के आपसे शेयर करूँ ताकि आप उसका फ़ायदा उठाएँ। और बाकी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, प्यार रखिए, प्यार बांटिए, और अल्लाह हाफिज़।